80 रिटायर्ड आईएएस का चुनाव आयोग को चैलेंज, सीसीजी के खुले लेटर में ऐसा क्या? क्या चुनावी बॉन्ड्स पर गिरे एसबी आई बीजेपी? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया, जिसके बाद अब इस मामले में दो याचिकाएं पड़ी हैं। एक याचिका एसबीआई ने डाली और दूसरी याचिका एडीआर ने। इन दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च यानी आज को सुनवाई होनी है। उससे पहले 80 रिटायर्ड आईएएस के संगठन सीसीजी ने चुनाव आयोग को खुला लेटर लिखा है। इसमें कहा गया कि भारतीय चुनाव आयोग के लिए एक मौका है, इसी आई आर्टिकल 324 का इस्तेमाल कर अपने प्रतिष्ठा और अखंडता दोनों हासिल कर सकते हैं। आपको बताते चलें, ये भी बताएं कि आर्टिकल 324 के तहत अपने पावर का इस्तेमाल करें। इतना ही नहीं, सीजी के इस लेटर में अभी मांग की गई कि चुनाव आयोग को यह साफ कर देना चाहिए कि वह लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तब तक नहीं करेगा जब तक एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी साझा नहीं कर देती है। सीसीजी के 80 रिटायर्ड आईएएस के इस लेटर पर अब चुनाव आयोग या कुछ कदम उठाता है देखना अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और जब तकनीकी रूप से सीसीजी के पूर्व सिविल सर्वेंट ही नहीं बल्कि कई लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि सारी जानकारी उपलब्ध कराना 2 से 4 दिनों का खेल है। ऐसे में एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने के करीब तक का वक्त मांगना शक की सुई और भी पैनिक करता है। नजर नहीं आ रहा क्या? बहरहाल अब इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।